सूरत शहर के जहांगीरापुरा मोराभागल सुभाष गार्डन के सामने हड़पतिवास की झोपड़ियों को मनपा ने तोड़ गिराया। सूरत मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के पूरी तत्परता से सुभाष नगर गार्डन के सामने तोड़फोड़ कर दी। इस तोड़फोड़ से झोपड़ेवासियों की स्थिति विकट हो गई। सुभाष गार्डन के हड़पतिवास का 2010 से हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हाईकोर्ट के कोई भी निर्देश और बिना आदेश के बिना जजमेंट के बिना सूरत मनपा के द्वारा अतिक्रमण हाथ लेने में आते यहां ही जनता को गुस्सा आ गया था। मनपा पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कल जब हम जोनल ऑफिस जाते हैं और दबान खाता डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिलते हैं तो उन्हें मुझे अपने पेपर पर एक सिक्का भी दिया और कहा कि अगर आपकी झोपड़ियों पर मनपा का दबाव नहीं है और किसी का नहीं है तो आप बिंदास जाओ और रुको, तुम्हारी झोपड़ियां हम नहीं हटाएंगे। और आज मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी टीम भयभीत थी जब बुलडोजर ऐसी सीधी झोपड़ियों पर आगे बढ़ने लगे। हलपतिवास के निवासियों ने कहा कि आज 11 बजे इस झुपड़ी बस्ती को लेकर अदालत में संकल्प हुआ, लेकिन सरकार की तानाशाही के कारण हम वर्षों से रहते घर से बेघर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कोर्ट में भले ही केस चल रहा हो लेकिन नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ से हमारे गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। मुन्ना भाई से मेरा नाम सुभाष गार्डन समय हमारे रेवान से हड़पाटी वास हाँ एस एम सी वाला कालापी लिमोटेशन करवा वाला था नोटिस वगैरह हमारा 2010 में हमारे केस चले से पची आ हमें काले हमारा वकील से भाई बेटा हमें जोन ऑफिस में जिया से वसा से फिर सही कह दी से हम हमने सिक्को से हमने एम कर मैंने कोई नटे नटे तमें रेव बांधी ने तो हमें पासू बांधवा चालू करूँ। आज हमारा 11 वगे ठराव से कोर्ट में ये पहला लोग आ जाए जो जबरदस्ती पुलिस वाला बंदोबस्त लेने नहीं अमने आटले पानी मलत 10-12 वर्ष थी नहीं अमने कोई सुविधा आटले लाइट नहीं हमें संध्या सकवा मुठवा भी सरकारी एस एम सी बाथरूम में जव पड़े से सर अमे 12 वर्ष थी बहुत बेटा से वरसाद उनाड़ो बढ़ो अमरा हवा में पड़ी रहू पड़े से सर नहीं कोई अमने आ लोग सुविधा आपे आज चालू मेटाले भी आ लोग बढ़ू तोड़े से चालू केस में भी सर हमने एज मांग से अमारे आटले घर तोड़ी देवाना नहीं अमने आटले जापानु छे।